क्रेशर और बैरियर की मिलीभगत से सरकार को लगा रहे हैं लाखों रुपए का चूना। जहां देश एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त है, वहीं क्रेशर माफियाओं और बैरियर की मिलीभगत से सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाने में जुटे हुए हैं। बुटेली टिमर लगा से प्रतिदिन 500 से 700 ओवरलोड गाड़ियां पार हो रही हैं। सारंगढ़ के प्रसिद्ध गौड़ खनिज ग्राम गुठेली टिमर लगा के खनिज जांच चौकी बैरियर में 20 टन की रॉयल्टी दिखाकर 35 से 30 टन माल ले जा रहे हैं। बैरियर में खनिज जांच अधिकारी मौन धारण किए हुए बैठे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि जब मीडिया टीम ने बैरियर खनिज चौकी टिमर लगा वर्जन लेना चाहा तो मना कर दिया, और इस संबंध में उच्च अधिकारी से दूरभाष द्वारा संपर्क करना चाहा तो कोई जवाब नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र जायसवाल और आप देख रहे हैं जी इंडिया 81 लाइव। हम आज बात करेंगे कुड़ेली टीमर लगा जो प्रसिद्ध गौरख नीचा ग्राम है, यहाँ पे बैरियर में पूरा ओवरलोड गाड़ियाँ जा रही है। ना कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना बैरियर वाले ध्यान दे रहे हैं। आप ताज़ा देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएं गाड़ी को कितना ओवरलोड गाड़ी है। कितना है? 38 टन। रॉयल्टी कितने का लगा? 35 टन। कहाँ जा रहे हो? धनांगर। कहाँ से आ रहे हो अभी? गुरुंद प्राजे से गुड़ेली। हाँ गुड़ेली। बैरियल पास कर? बैरियल पास हो गया। हाँ 35 का रॉयल्टी लगा के 38 पास कर देते हैं बैरियल वाले? नहीं 35 टन 800 का है और रॉयल्टी है 35 टन का है ना? हाँ 35 टन के माल 38 टन लोड है। हाँ 38।